पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दाखिल किया अपना नामांकन। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। नामांकन से पहले काल भैरव मंदिर में की पूजा। साध्वी प्रज्ञा का एक और विवादित बयान, दिग्विजय को बताया आतंकवादी। चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पटना जा रहे विमान में आई खराबी, वापस दिल्ली लौटे। झारखंड में माओवादियों ने मतदान से पहले बीजेपी कार्यालय को बम से उड़ाया, सुरक्षा बल सतर्क। इंडिगो की एक महिला कर्मचारी ने साथी पायलट पर लगाया यौन शोषण का आरोप, दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज होगा आईपीएल मैच। होम ग्राउंड पर इस सीजन में एक भी मैच नहीं हारे हैं सुपर किंग्स। हरे निशान पर सेंसेक्स और निफ्टी ने की कारोबार की शुरुआत, रुपए में दिखी 16 पैसे की तेजी। हमले में श्रीलंका के कट्टरपंथी मौलवी हाशिम की मौत, फिदायीन हमले में मरने की आशंका। नीरव मोदी की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेशी आज, जेल से वीडियो लिंक के जरिए होगी सुनवाई। सीबीआई और ईडी कर रही है नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिश। पुतिन से मुलाकात के बाद किम ने कहा ट्रंप ने भरोसा नहीं जताया, उनसे बिगड़ सकते हैं रिश्ते। किम ने पुतिन को उत्तर कोरिया आने का भी दिया न्योता। ब्रिटेन में टाटा स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा, 2 कर्मचारी घायल। ब्रिटेन मीडिया ने लगाया 3 ब्रास्ट होने का अनुमान। दुनिया भर में रिलीज हुई एवेंजर्स एंड गेम, क्रिटिक्स से मिले 5 स्टार। ट्रेड एनालिस्ट का अनुमान, भारत में कर सकती है 300 करोड़ की कमाई। अनुराग बासु की फिल्म से रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण की जोड़ी कर सकती है कमबैक, दोनों अभिनेताओं को सौंपी गई स्क्रिप्ट। कल आएगा यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं चेक। तमिलनाडु में रेड अलर्ट, 30 अप्रैल तक चक्रवाती फानी के उत्तरी तट पर आने की आशंका। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी गई सलाह। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।